क्यों ना राफे का रिश्ता कुलसुम के घर में डाल दिया जाए। नीरव के साथ? अरे नहीं नहीं भाई, मैं फरीम की बात कर रहा हूं। राफे शायद इस बात को ना माने। अच्छा, तो अगर राफे हमारी नहीं मानेगा तो हमें राफे की माननी पड़ेगी क्या? मैं ऐसा तो नहीं कह रही। वो ये हो गया कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैं अपने घर वालों को अभी तक ये बात बता नहीं पा रही। उनको ये बताने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तो ये बात मैं कब तक छुपाती रहूंगी उनसे? और तुम्हें पता है आज क्या हो गया? क्या हुआ? फरीन का रिश्ता तय हो गया। मुझे लगता है कि मीरा ने तो शान को माफ कर दिया है, लेकिन शायद भाभी ने मीरा को अब तक माफ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर वो क्यों नहीं आई मिठाई खिलाने? सुम जी, अगर आपकी इजाजत हो तो निकाह का आगाज किया जाए। जी जरूर। वो मैं मुफ्ती साहब को लेकर आता हूँ। लो जी, मुफ्ती साहब तो खुद ही आ गए। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। पहले कौन सी बच्ची का निकाह करवाना है? जो आप मुनासिब समझिए। मेरा ख्याल है बड़ी बेटी का निकाह पहले करवाना है। मेरा ख्याल है कि पहले आप मेरी छोटी बेटी फरहीन का निकाह पढ़ाइए। चलें, जैसे आप मुनासिब समझें। फरहीन, इजाजत है? फरीन, आपको 25 लाख के एवज निकाह कबूल है? मीरा बेटा, आपकी इजाजत है क्या के लिए? आपको 25 लाख के बाद सारिम से निकाह कबूल है?
मुझे मोहब्बत मोहब्बत से डर नहीं लगता। हाँ दिल टूटने से डर लगता है। मेरा दिल तोड़ने की इजाजत किसी को होगी तो वो शख्स होगा जिसे मेरा निकाह होगा। और जब राफे को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उसे उसे जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए राजी किया गया। तुम्हारी मुस्कुराहट हम सब की जीने की वजह है, इसलिए जैसी हो हमेशा ऐसी रहना। मैं क्या हो गया है? लेकिन तुम जरूर बदल जाओ। ठीक कहा था। मोहब्बत का इजहार दिल की बात करने से नहीं होता बल्कि अपनी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए दुल्हन बना के अपने घर लाने से होता है। अब हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, पुरानी बातों को याद करना जरूरी है क्या? पुरानी बातें कौन कर रहा है, मैं तो तुम्हें किए हुए बात याद दिला रहा हूँ। कौन सी बात है? मैंने तो कोई वादा लिया ही नहीं आपसे। ये तो है, तुमने तो मुझे सीधा कहा था बल्कि बताया था सिखाया था जब प्यार करते हैं तो प्यार की बातें नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ बातें ही किया। लेकिन असल में जो भी किया तुमने तो किया। मैंने ऐसा भी कोई एहसान नहीं किया, आपकी मोहब्बत के बदले आपसे प्यार किए। लेकिन लेकिन क्या? इस लेकिन का जवाब किसी और दिन दे लीजिएगा। तुम अब भी मुझसे बात छुपाओगी? छुपाती नहीं हूँ मैं, बस बताती नहीं हूँ। छुपा के तो मैंने भी बहुत कुछ रखा अपने दिल में, जी करता है कि सब कुछ अभी के अभी बता दो। अब बता भी दें, ऐसा क्या छुपा रखे? मेरी शादी हो चुकी है। और आप मुझे अब बता रहे हैं? तो कब बताता, आज ही तो हुई है तुमसे।
तुम जानती हो शादी क्यों हुई है? इतनी बेखबर हो तो ये शादी कैसे कर ली? मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये शादी मैंने अपने बाबा की वजह से की है, और मेरे बाबा ने हमारी शादी इसलिए करवाई है क्योंकि वो अपने मरहूम भाई की शादी आपकी मामा जी से नहीं करवा सके थे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंकल जहीर ने कफारा अदा किया है? यही समझ लो, और उस कफारे के लिए उन्होंने अपने अकलौते बेटे को दिया है। खैर, अब नाम क्या था तुम्हारा? ओ हाँ, फरीन। अब देखो, हो गई ना प्रॉब्लम। इतने में तो किसी को एक दूसरे का नाम याद नहीं होता जितने वक्त में तुम्हारी और मेरी शादी हुई है। खैर, शादी तो हो गई बाप के कहने पे, और मैंने कर भी ली, लेकिन मोहब्बत बाप के कहने पे नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत किसी के बाप की नहीं सुनती। लेकिन मैं तो सुन रही हूँ, शायद मुझे सुनना पड़ेगा अपने घर वालों के लिए, आपके आपके घर वालों के लिए, और मेरे और आपके जुड़े इस रिश्ते के लिए। इतनी दुखी हो रही हो तो शादी से इनकार कर देती? जरूर कर देती। अगर पता होता कि शादी की पहली रात मुझे मुंह दिखाई में इतने जोरदार तमाचे पड़ेंगे जो आपने अपनी बातों से मेरे चेहरे पे मारे, मैं जरूर इनकार करती। अरे भाई सादिया, कहाँ हो? आज नाश्ता नहीं मिलेगा? यार मेरा बिजनेस रिकॉर्डर भी कहाँ है पता नहीं, कहाँ उठा के रख देते हो यार तुम लोग। अरे भाई, आपको जरा सा सबर नहीं होता। ये लीजिए आपकी चाय। शुक्रिया। और किचन में थी, नाश्ता बना रही थी आपकी बहू के लिए। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, देखो सादिया, फरीन का आज पहला दिन है, उसको किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसको जो पसंद है उसको बना के खिलाओ, उसको अपना घर लगना चाहिए। ये कोई कहने की बात है जहीर साहब? जितना आप चाहते हैं ना फरीन को, उतना मैं भी चाहती हूँ, और कुलसुम आपा से उतनी हमदर्दी है मुझे। अब आखिर को आपके रिश्ते से मेरी भी तो वो कुछ लगती है ना। अरे भाई सादिया, तुम्हारी यही बातें तो है जो आज भी मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती है। बस बस रहने दे जहीर साहब, अब आपका वक्त गुजर चुका है। अच्छा बात सुनो, आज सुबह से साहब नजर नहीं आ रहे। राफे अभी तो आया है जिम से, फ्रेश हो रहा होगा। चलो अच्छी बात है, उससे जरा पूछ लेना क्या उसने फरीन से कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की है, क्योंकि अगर उसने कोई ऐसी वैसी बात की उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अरे आप परेशान ना हो, वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाए तो अच्छा ही होगा।
वाह, आज तो कोई सुबह सुबह बहुत ही प्यारा लग रहा है। थैंक यू। वैसे किस दिन प्यारी नहीं लगी मैं? ठीक बात है, छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये क्या है? एक चूज करो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। दिस वन। ओह, लोग मंगनी करके शादी करते हैं, हम लोगों ने मोहब्बत करके शादी की। तो मैंने सोचा कि दिल और दुनिया का भरम रखते हैं और हम भी शादी के बाद मंगनी करते हैं। तो इसका मतलब ये एंगेजमेंट रिंग है? यही समझ लो। लेकिन बिना शादी के अगर ये अंगूठी उतारी जाए तो मंगनी टूटती है ना? हमें किस बात का डर? हमारी तो शादी हो चुकी है। दिल टूटने का डर? और अगर आपने मेरा दिल तोड़ा तो मैं ये अंगूठी उतार के आपकी हथेली पे रखूंगी और कसम खा रही हूं मैं तुम्हारी, समझे? अगर तुम मेरी कसम खा रही हो तो मैं भी तुम्हारी कसम खाता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नाश्ते में तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं, बाहर आ जाओ। अच्छा सुनो, कुछ नहीं। अरे बोल रहा, शर्मा क्यों रही हो? कुछ चाहिए तुम? आज तो शर्माने दो ना। आज नहीं शर्माऊंगी तो कब शर्माऊंगी? वैसे मुझे भूख लग रही है। तभी तो कह रहा हूँ, फाजिल नाश्ता लगा लिया होगा, तुम जल्दी से आ जाओ, ठीक है? दो मिनट में। लेट नहीं करना। जाओ। कहाँ जा रहे हो भाई? वो एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। तुम्हें आज ऑफिस तो जाना नहीं है, फिर कहाँ जा रहे हो? जी वो बात सुनो भाई, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, फरीन को कुछ वक्त दो, और अगर इतना ही जरूरी है ना बाहर जाना तो फरीन को भी साथ ले जाओ। नहीं बाबा, मेरा जाना इतना जरूरी नहीं है। अरे वो मैं ये कहती जहीर साहब के क्यों ना एक ग्रैंड डिनर अरेंज किया जाए, क्यों राफे कैसा रहेगा, और फरीन के घर वालों को भी बुला ले, क्या ख्याल है बताए ना? अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है, एक काम करो आज ही सबको बुलाओ, इस बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी, है ना? बल्कि ऐसा करो, फरीन से कहो कि मीरब को और उसके शोहर को भी आज रात डिनर पे इनवाइट कर ले, ठीक है ना? मैं कह देती हूँ। वो मुझे लेट हो रही है, मुझे जाना है। ठीक है बेटा। और बात सुनो जी, बेहतरीन डिशेज होने चाहिए, ठीक है ना भाई? पहली बार फरीन के घर वाले हमारे घर आ रहे हैं ना शादी के बाद। फरीन बेटा यहाँ पे ऐसे खड़ी हो, मैं वहां तुम्हें कमरे में देख रही थी, क्या बात है? नाश्ता पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? वहां टेबल पे भी इतनी चुप चुप सी थी। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यही सोच रही थी कि जिस घर में मैंने जिंदगी के 20-22 साल गुजार थे, एक लम्हे में उसे छोड़ दिया तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? माँ बाप, बहन भाई, इन सारे रिश्ते को छोड़कर एक नया रिश्ता बनाती हैं हम लड़की, और जब वो रिश्ता ही ठीक ना बने तो कैसे लगता है? क्या राफे ने तुमसे कुछ कहा है बेटा? देखो फरीन,
बेटा राफे हमारा इकलौता बेटा है, बहुत प्यार से हमने उसे पाला है। लाड प्यार की वजह से वो कभी कभी हमें भी कुछ कह देता है तो हम लोग दरगुजर कर देते हैं। तुम भी कर दिया करो। दरगुजर कर आप तो उसकी बातों को दरगुजर करती होंगी ना। यहां मेरी पूरी जिंदगी है, उसे कैसे दरगुजर थी। अरे बेटा आज तो पहला दिन है तुम्हें इस घर में, देखना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई, मैं तो ये बताने के लिए आई थी कि आज हमने एक ग्रैंड डिनर अरेंज किया है, तो तुम अपने घर पे फोन कर लो। और हाँ, खास तौर पे अपनी बहन और बहनोई से जरूर कहना कि आज रात का खाना हमारे साथ खाएं, ठीक है। और एक बात और, जैसे राफी हमारा इकलौता बेटा है ना और हमें बहुत प्यारा है, ऐसी तुम भी हो। हाँ जी, याद आ गई बहन की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो। ठीक हूँ। वो मैं तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि अंकल आंटी ने आज बहुत अच्छा डिनर रखा है सबके लिए, तो तुम और सारे भाई जरूर आना। हाँ, इतनी उदास हो कि दावत क्यों दे रही हो, कुछ हुआ है क्या। नहीं नहीं, मुझे क्या होना है। तुम्हारी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ नहीं हुआ। अच्छा तुम ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें कह दिया ठीक है या फिर सारिन भाई को अलग से कॉल करके बुलाना पड़ेगा। असल बात बताओ, हुआ क्या है। कौन सी असल बात। वही जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तुम्हें बस वहम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर मेरा वहम है तो मेरा वहम दूर कर दो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से जानती हूँ। अपनी अकल और दानिशमंदी पे आंसू बहाए। क्यों, राफे वैसा नहीं निकला जैसे तुमने सोचा था। मेरे सोचने से क्या होता है, मैं कुछ भी सोचूं वो अच्छा ही है। हाँ वो तो नजर आ रहा है कि कितना अच्छा है, शादी के कुछ दिनों में ही हस्ती खेलती लड़की को रुला दिया। हाँ ये भी तो हो सकता है ना कि वो मुझे अभी समझ ही ना पाया। अच्छा तो तुम समझ गई हो। ये तो मैं नहीं जानती। हाँ लेकिन इतना जरूर जानती कि राफे के साथ सुख भरी जिंदगी गुजारने से पहले मुझे बहुत सारे दुख देखने पड़ेंगे। उसमें राफे का भी क्या कसूर, ये तो जिंदगी का उसूल है ना। हंसने से पहले रोना सीखना पड़ता।